हेलो जी, मेरा नाम सौरभ है और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विलेज के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो क्योंकि इंटरनेट पे ज्यादा कुछ है नहीं उसके बारे में। तो जब मैं काजा से ताबो आ रहा था तो लगभग 5 किलोमीटर पहले मुझे एक विलेज दिखा जिसका नाम है कुरित। अब ये नॉर्मल विलेज है जैसे विलेज होते हैं, पर इसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 30। अब ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी और जब ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं तो मैंने वही किया जो एक आम ट्रेवलर करता है, उस विलेज को एक्सप्लोर। गांव में एंटर होने के 2-3 मिनट बाद ही मैं समझ गया कि गांव में सिर्फ 3-4 ही घर हैं। और जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था ना तो मेरी नजर एक होटल पे पड़ी और जहां मुझे 2-3 लोग भी दिखे, क्योंकि वैसे तो मुझे लोग दिखे नहीं, सब घर में थे। तो फिर मैं वहां गया और मैंने उनसे पूछा कि इस गांव में अभी कितने लोग हैं। मतलब सिर्फ 12 लोग होंगे अभी, अगर अभी चेक किया जाए तो। क्या लगा? मुझे लग रहा था शायद कि अगर 30 लोगों का लिखा है तो शायद 35-40 लोग रहते हों ऐसा। लग्जरी टाइप है ये, देखो ना, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि गांव की पॉपुलेशन 30 है और उसमें ऐसा लग्जरी होटल। टूरिस्ट आते हैं तो शायद रुकने के लिए कि हाँ, वैसे अभी तो पूरा खाली है। सही से देखो ना तो एक पूरा परिवार 30 लोग, अगर एक जॉइंट फैमिली है ना तो लगभग 30 लोग हो जाते हैं उसमें। मैं भी शायद एक ही परिवार हो, मुझे पता नहीं। बाकी इतना छोटा विलेज अपने आप में, जब उधर से निकलो कि कुरित का बोर्ड लगा हुआ है और सिर्फ 30 लोग रहते हैं तो बंदा क्यों ना रुके भाई। सो इतनी सी थी इस गाँव की कहानी और यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई हैं, मतलब लगभग सारी चीज़ें नई हैं। ऐसे ऐसे विलेज देख रहे हैं हम, ऐसी चट्टानें हैं जो पहले कभी नहीं देखी, उसको समझने के लिए टाइम चाहिए। तो इतनी सी थी इस गांव की कहानी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा।